तारीफ के जरिए इस बात पर जोर दिया कि कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं है, ये एक साइंसदान की नजर से इस कायनात को पैदा करने वाले के तारुफ की किताब है, ये साइंसी फिक्र की किताब है, ये उसूल जिंदगी की किताब है, ये मोहब्बत, रवादारी, इखलास और यकजहती की किताब है। डॉक्टर इकदाम हुसैन फारूकी की साइंसी, इल्मी और सामाजिक खिदमत और उनकी किताबों के सिलसिले में उन्हें $25,000 का सुल्तान काबूस अवार्ड के अलावा किंग सऊद गोल्ड मेडल, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खेती अवार्ड, FAMI, यूनाइटेड स्टेट्स का एक्सीलेंसी साइंस अवार्ड, UP उर्दू अकेडमी का सालिम अली अवार्ड और बंगाल उर्दू अकेडमी का नवाब वाजिद अली शाह अवार्ड के अलावा बहुत से दूसरे अवार्ड से सरफराज किया जा चुका है। इससे पहले कि इज्जत माफ गवर्नर श्री राम नायक जी तशरीफ, हमारे अवार्डीज जो हैं, मैं उनके लिए कुछ दो लफ्ज करना चाहता हूँ आप लोगों की खिदमत में। जाहिर है जो कोई अवार्ड है उनके लिए कोई माने नहीं रखता, इससे बहुत बड़े बड़े अवार्ड उन लोगों को मिल चुके हैं और उनके इस अवार्ड को कबूल करने से हमारे प्रोग्राम की इज्जत बढ़ती है और उसमें इजाफा होता है। मैं सैजुर रहमान साहब तशरीफ ले आए हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। उनके यहाँ आज उनकी सगी नवासी की शादी है, उस मसरूफियत के बावजूद वो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि वो इतनी मसरूफियत के बावजूद उन्होंने अपने वादे निभाया। एक आलिम दीन निगाहों के काफले आए देखने को, निगाहों के काफले किसका चिराग था तो हवा, किसका चिराग था जो हवा में फैल गया। बकायदगी साहब ने कितनी स्ट्रगल की है, कितनी मेहनत की है। आज से 5-6 साल पहले कोई अवधनामा अखबार को नहीं जानता था, कोई ये नहीं जानता था कि बकायदगी आज से करीब तकरीबन 6 साल पहले जयशंकर प्रसाद बकायदगी साहब और उनकी टीम से जुड़े हुए। और ख्वाहिश से सुनिए आप, तो ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा। अरे गुप्ता जी आप कहाँ बैठे हो, कुछ ना होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से कर दिया खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा। वही इन लोगों ने किया है। वो कहते नहीं है कि हमारे घर में किसी से मांग के हम रोशनी नहीं लाते। गुप्ता जी आप भी सुनिए, मैंने आपको देखा है जब हम और आप स्टूडेंट थे। कहती है मैं बहुत पुरानी दोस्त है, मैं अक्सर मुझे शेर याद हो जाता है कि लोग कहते हैं कि जब होली में वक्त की शाख को है दोस्त हिलाना होगा, कुछ ना होगा। जान पहचानते हैं वही ताली बजा रहे हैं, इधर वाले क्रोध से नाराज है भाई। और गुप्ता जी जो कि बाई लिंग्विस्ट नहीं, जबानों के माहिर हैं, हमारे आगे ऐसे तमाम लोग बैठे हुए हैं जो बहुत काबिल, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। गुजारिश करूँगी कि आप आज राजधानी लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में अवधनामा समाचार पत्र के 15वें स्थापना दिवस के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कैमरामैन अनिल तिवारी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, रसमैन न्यूज़, लखनऊ।